प्रणाम देव। बिना अनुमति मेरे दरबार में घुसने का दुसाहस। सूर्यदेव, जो अधिकार आपकी उष्मा का समुद्र के जल पर होता है, जो अधिकार बादलों से बरसते हुए जल का पृथ्वी की मिट्टी पर होता है, वही अधिकार एक प्रेयसी का उसकी प्रेमी पर भी होता है। मैं देवी छाया और आपका पुत्र शनि हूँ, और आज यहाँ अपनी माँ को इनका अधिकार दिलाने आया हूँ। उतना ही अधिकार जितना माता संज्ञा का है। इस सूर्य लोक पर और आप पर। अधिकार की चर्चा ये सबोध मुख से तुझे अधिकार किसने दिया बालक कि मुझ तक और मेरे लोक तक आने का दुस्साहस करे। भूल तुम्हारी नहीं, तुम्हारी माता की। जब तुम्हें ही अपना उचित स्थान स्मरण नहीं रहा तो अपने बालक को क्या सिखाओगे। संज्ञा की छाया थी तुम बस, और कुछ नहीं। ना तुम्हारा कोई अस्तित्व था, ना कोई आकार। योग संयोग, कष्ट सुख, वेदना दुख, अपमान सम्मान, कोई भावना नहीं थी तुम में। चेतना से शून्य थी तुम, बिल्कुल जड़। संज्ञा ने तुम्हें अपनी दासी, अपनी सेविका के रूप में जन्म दिया। ये साकार रूप दिया केवल इसलिए कि ये मेरा विकराल ताप सहन नहीं कर पा रही थी। इसलिए नहीं कि तुम इनके ही अधिकार का हरण कर लो। मुझे प्रेम करने का अधिकार तुम्हें नहीं था छाया। सत्य तो यह है कि जब संज्ञा मेरे पास लौट आई थी तो तुम्हें फिर से इनमें समा जाना चाहिए था। तुम्हारी रचना एक विशेष उद्देश्य के लिए की गई थी। यदि वो उद्देश्य ही समाप्त हो गया तो तुम्हारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाना चाहिए था। पर तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम भी जानती थी संज्ञा जैसी पवित्र स्त्री में वापस समा जाने का अधिकार तुम खो चुकी हो। एक स्त्री की सबसे अमूल्य धरोहर उसका चरित्र ही खो दिया है तुमने। एक स्त्री की सबसे अमूल्य धरोहर उसका चरित्र ही खो दिया है तुमने। कैसे छाया, कैसे एक पर पुरुष के साथ संबंध बना पाई तुम? कैसे उस पुरुष की सैया सुसज्जित कर पाई जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं? इस संपूर्ण सृष्टि में स्त्री के लिए जो सबसे बड़ा पाप है वो पाप किया है तुमने। तुम कलुषित हो चुके हो छाया, पतिता हो तुम, पतिता। तुम कलुषित हो चुके हो छाया, पतिता हो तुम, पतिता। आगे बोलो। अपनी आंखों के सामने अपनी मां का अपमान होते देखना, उन्हें उपास का पात्र बनते देखना, एक पुत्र के हृदय को छल्ली कर देता है। उस समय जो अग्नि उस पुत्र के हृदय में धधकती है, उसका ताप सूर्य के तेज से भी अधिक होता है। यह उस दिन आपने प्रमाणित किया था शनिदेव। यदि मेरी माँ का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था तो अपना चरित्र कैसे खोया इन्होंने? आप प्रकाश के देव हैं, फिर भी एक स्त्री के आंतरिक प्रकाश को पहचान नहीं पाए। अब मैं बताता हूँ सत्य। सत्य ये है कि जिस क्षण से माता संज्ञा ने अपनी छाया से अलग करके साकार रूप दिया, उसी क्षण से मेरी माँ अपने स्वतंत्र अस्तित्व की स्वामिनी बन गई। तन मन और आत्मा सब स्वतंत्र था इनका। इन्हीं के मनोभावों से संचालित वियोग संयोग, कष्ट सुख, वेदना प्रेम, सभी भावनाएं थी इनके मन में। इसलिए आपकी सेवा करते करते इनके मन में आपके प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ, फिर प्रेम हो जाना तो स्वाभाविक ही था। और आपने भी तो इनके प्रेम का उत्तर प्रेम करके ही दिया था।
प्रेम नहीं किया है तुम्हारी माँ ने, छल किया है। मेरा रूप धर के मेरे पति के साथ संबंध बनाए हैं, उन्हें अंधकार में रखकर। इस सभा में उपस्थित प्रत्येक सभासद ये जानता है कि सूर्य देव के पास सत्य को जान लेने की अद्भुत शक्ति है, कोई भी रहस्य इनसे छुपा नहीं रह सकता। पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है वी माता, यदि एक पुरुष यह नहीं जान पाता कि उसकी शैया में संबंध बनाती स्त्री उसकी पत्नी है या कोई और, तो कटाक्ष उस स्त्री के चरित्र पर नहीं स्वयं उस पुरुष के चरित्र पर होना चाहिए। ऐसे दुर्वचन कहने वाला मूड मेरा पुत्र नहीं हो सकता, ना इसका रंग रूप मुझसे मिलता है, ना कोई गुण, ना जाने किसके साथ अवैध संबंधों का परिणाम है ये बालक, ना जाने किसके साथ अवैध संबंधों का परिणाम है ये बालक। पर इतना स्पष्ट है कि ये बुद्धिहीन और तेजहीन है। मेरा पुत्र नहीं है ये, मेरा पुत्र नहीं है ये, मेरा पुत्र नहीं है ये। क्या कह दिया स्वामी आपने, ये क्या कह दिया, इतना बड़ा लांछन, इतना बड़ा आरोप, ये सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए। माँ, माँ, नहीं माँ, आप मत रोइए। इन्हें प्रमाण चाहिए ना, मैं देता हूँ इन्हें अपना प्रमाण। मेरा तेज देखना चाहते हैं ये, अब मैं दिखाऊंगा इन्हें अपना तेज। सूर्य संज्ञा और छाया की भी सोच से परे था ये बालक ऐसी शक्ति साधेगा कि सूर्य संज्ञा शून्य हो जाएंगे, हर सभासद भौचक रह जाएगा। दुमल, यदि शनि देव सच में इतने शक्तिशाली हैं कि सूर्य देव भी इनके सामने तेजहीन हो गए, तो फिर हम इनकी वक्र दृष्टि से कैसे बच पाएंगे। क्या हुआ गरु, तुम मौन क्यों हो गए? उस दिन शनि देव का क्रोध, उनका तेज सबको दिखाई दिया था,
पर किसी को उनकी पीड़ा नहीं दिखाई दी थी। उनके हृदय में उठता भवंडर किसी को नहीं दिखा था। संसार में ऐसा कोई पुत्र नहीं है जो अपने पिता का अनादर करना चाहता हो, पर अपनी मां के सम्मान के लिए शनिदेव को अपने पिता के विरुद्ध सर उठाना पड़ा। इस बात की पीड़ा कितना दंश देती है ये कोई और नहीं समझ सकता। ये क्या कर रहे हो तुम? बस करो, इन्हें क्षमा कर दो पुत्र। हमें तुम्हारी शक्ति का आभास नहीं था, अब हमें ज्ञात हो गया है। इनसे अपनी दृष्टि हटा लो पुत्र। इस विमाता की बात मानो पुत्र, ये तुम्हारे पिता हैं और पिता पूजनीय होते हैं। तुम्हारे पिता को सारा संसार पूजता है, समस्त संसार का जीवन इन्हीं से संचालित होता है। अपने पिता को प्रताड़ित मत करो पुत्र। पिता से भी बड़ा स्थान होता है माँ का, और इन्होंने मेरी माँ का अपमान किया है, मेरी माँ का अधिकार छीना है इन्होंने। उनके साथ जो अन्याय किया है उसका दंड मैं इन्हें देके रहूंगा। आज न्याय करूंगा मैं। बस कर शनि। अपने पिता का अपमान करने का साहस भी कैसे किया तूने? जब कोई हमारे साथ अनुचित करे तो प्रतिउत्तर में हम भी उसके साथ अनुचित व्यवहार करके कुछ भी ठीक नहीं कर सकते पुत्र। न्याय का अर्थ सदैव दंड देना नहीं होता है पुत्र। तू मुझे न्याय दिलाना चाहता था, पर तूने सूर्यदेव का तेज छीनकर संसार के सभी प्राणियों को जो कष्ट पहुँचाया है उसका आभास है तुझे? संसार में त्राही त्राही की पुकार मची है, क्या ये उन सब के साथ अन्याय नहीं है? न्याय का एक ही सिद्धांत है पुत्र, सहस्त्र अपराधी मुक्त हो जाएं, पर एक भी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ, मुझे क्षमा। क्षमा मुझसे नहीं, अपने पिता से मांग। भूल तो मुझसे हुई है पुत्र। देवी छाया, मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में और शनि को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं आपको वो सारे अधिकार प्रदान करता हूं जो देवी संज्ञा को प्राप्त हैं। छाया मेरी बहन, मेरे अपमान भरे व्यवहार को भुलाना तुम्हारे लिए असंभव है, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माता पिताजी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तुम अभी अभी तो मिले हो पुत्र, इतने शीघ्र कहाँ जाओगे? मैं तपस्या करना चाहता हूँ पिताजी, ताकि अपनी शक्तियों का प्रयोग मैं संसार के कल्याण के लिए कर पाऊँ, एक ऐसा पुत्र बन पाऊँ जिस पर आपको और मेरी दोनों माताओं को गर्व हो। हमारी माँ ने शनिदेव के बारे में हमें ये सब क्यों नहीं बताया? वो तो सदैव हमें इनसे सावधान रहने के लिए कहती रही। माँ सही ही कहती थी, सावधान तो अभी भी रहना होगा इनसे, नहीं तो कहीं हम भी भूतबंदी की तरह आहत हो गए तो। हाँ।
अस्थि में अचानक बहुत तीव्र पीड़ा हुई। अस्थि में पीड़ा तो शनि के प्रकोप के कारण होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गरुड़ की पीड़ा का आभास तुझे हो रहा है? पता नहीं दीदी, मैं बस इतना जानती हूँ यदि हमारा संदेश सत्य है और हमारे पुत्र शनि ग्रह पर ही हैं तो हमें बिना भयभीत हुए शनि देव की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। यदि इसका आभास इतना दृढ़ है तो अवश्य ही मेरे पुत्र गरुड़ के साथ शनि देव के समक्ष होंगे। हमें उड़द दाल, काले तिल, नीलम, काली गाय और भैंस का दान किसी निर्धन ब्राह्मण को करना चाहिए। पूरे हृदय से उन्हें भोजन कराना चाहिए और श्वान को दही चावल भी खिलाने चाहिए। तो इतनी शांत कैसे है? तुझे तेरे पुत्र के लिए भय नहीं लग रहा है? यदि शनिदेव मेरे पुत्र को कोई कष्ट देते हैं तो वो उसके कर्मों का ही फल होगा। जब मुझे आभास हुआ था कि मेरा पुत्र अपना मार्ग भटककर सूर्यलोक के स्थान पर शनि ग्रह पर पहुंच गया है तो ये सत्य है कि मैं विचलित हुई थी, पर शनि के प्रकोप से स्वयं महादेव को भी वृक्ष के कोटर में छुपना पड़ा था। तो मेरा और आपका भयभीत होना स्वाभाविक ही है। पर जो हो रहा है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। यदि गरुड़ वहां तक पहुंचा है तो इसमें भी श्री विष्णु की ही इच्छा होगी। और मेरे हरि की हर इच्छा में अच्छाई छुपी होती है। एक माँ होने के नाते मुझे अपने दिए हुए संस्कारों पर, अपने पालन पोषण पर पूरा विश्वास है। मेरे पुत्र ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया होगा जिसे शनि देव को उसे दंड देना पड़े, इसलिए मुझे कोई भय नहीं लग रहा। मुझे सूर्य पुष्प चाहिए और उसके लिए तुझे सूर्य लोक जाना होगा। क्या हुआ, आप किस सोच में पड़ गए? तुझे तो बहुत सारी तैयारियां करनी थी ना, स्मरण रहे कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। यदि तेरे या तेरे पुत्र के कारण मेरे पुत्रों का हित हुआ तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। माँ, आपके संस्कारों को मैं हमेशा स्मरण रखूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। आपको कहीं भी शीश झुकाने का अवसर नहीं दूंगा।
अपने माता पिता और विमाता से आशीर्वाद लेकर आपने इतनी कम आयु में भीषण तप किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। छाया पुत्र शनि, आपकी तपस्या सफल हुई। हाँ देव, प्रणाम महादेव। मैं आपकी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूं। आप निर्दोष हैं, स्वभाव से निष्पक्ष हैं, इसीलिए पृथ्वी पे जन्म लेने वाले सभी व्यक्तियों को उनके कर्म अनुसार फल देने का कार्यभार मैं आपको सौंपता हूं। आज से आप न्यायाधीश और दंडाधिकारी जैसे नामों से भी जाने जाएंगे। आपका धर्म होगा प्रत्येक प्राणी को उसके कर्म के अनुरूप न्याय और दंड देके उन्हें और पाप करने से रोकना, ताकि वो अपने जीवन को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सके। जो आज्ञा प्रभु। इससे पहले कि आप किसी और के साथ न्याय करें, आवश्यक है कि मैं आपके साथ न्याय करूं। जन्म के बाद से ही आप अपने पिता से दूर रहे, इसीलिए मैं आपको सौर मंडल के ग्रहों में स्थान देता हूं। आज से आपके शस्त्र होंगे त्रिशूल, गदा और तीर। जय हो महादेव की जय हो, महादेव की जय हो, महादेव की जय हो। जब शिव से ही वरदान मिला तो मन में ये विश्वास जगा, पिता से होगी भेंट तो मिलेगा स्नेह जो अब तक ना मिला। एक बार फिर आपके हाथ आई तो केवल और केवल फिर निराशा। पिता में स्नेह का भाव था, अमिता आपके भीतर का कुहासा। सूर्य का तेज समाप्त किया था आपने प्रथम भेंट में ही, जिस कारण उनके हृदय में अविश्वास था, संदेह था। फिर मिलते ही आप तप करने उनसे दूर भी तो चले गए थे, तो कैसे जानते वो आपको कि आपके मन में कौन से भाव बसे थे। सौर मंडल के शेष ग्रह भी आपकी तपस्या के बाद मिले वरदान से आशंकित थे, आपकी शक्ति की कथाएं सुन चुके थे,
भयभीत वो आपसे दूर रहना चाहते थे। मन, व्यक्तित्व, विचार, व्यवहार से आप क्या है ना वो समझते थे और ना वो समझना चाहते थे। इसीलिए आप जब सूर्य देव के दरबार में पहुंचे तो देखा कि नियति ने फिर आपको छला है। अब विलंब हो चुका है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, सौर मंडल का हर एक ग्रह पहले ही सूर्य के निकट अपना स्थान ग्रहण कर चुका है। प्रणाम पिताश्री। आओ शनि, अपना स्थान ग्रहण करो। इस सोच में पड़ गए शनि। अपने आसन को लौह का बना देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हो। वैसे तुम्हारे रंग रूप और व्यक्तित्व के अनुसार ही आसन है। तुम्हें अच्छा तो लगा ना शनि? यदि ना लगा हो तो फिर क्रोध में आकर अपनी वक्र दृष्टि से भस्म नहीं कर देना। ये सब परिहास करते तो मैं भी इनके साथ हंसता, परंतु ये मेरा उपहास कर रहे हैं। और आप कौन है? आपके इस दरबार में अन्य सभी स्वर्ण के सिंहासनों पर विराजमान है और मेरे लिए लौह का आसन। मुझे स्वर्ण से प्रेम नहीं है पिताश्री, परंतु सत्य, समानता और न्याय से है। और सत्य ये, आज एक बार फिर आपने मेरी उपेक्षा की। कोई बात नहीं पिताश्री, महादेव ने मुझे कर्म फल का न्यायाधीश और दंडाधिकारी घोषित किया है और अपने कर्म से मैं समस्त संसार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करूंगा और ये मेरी प्रतिज्ञा है पिताश्री। आपको दंडाधिकारी का कार्यभार सौंपा गया था शनिदेव, और जो दंड देते हैं उनसे सभी भयभीत तो होते हैं पर उनका सम्मान नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी छवि ही ऐसी है कि आपके सामने आने के बाद सभी को अपने बुरे कर्मों की स्मृति सताने लग जाती है। समय आया और आपका विवाह चित्ररथ जी की पुत्री देवी धामिनी के साथ होना तय हुआ, पर तब भी आपके साथ थी तो केवल मां छाया। पिता का आगमन बस औपचारिकता के लिए हुआ, पर एक भी ग्रह आपकी प्रसन्नता में सम्मिलित नहीं हुआ। वो अपमान भी आपने जिया और देवी से गंधर्व विवाह किया। एक बार शनिदेव लीन थे तपस्या में, ना जागे थे ना सोए थे। श्रृंगार कर पत्नी निकट आई, पर पति तो ईश साधना में खोए थे।
पत्नी अपने पति का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयत्न करे और फिर भी उसका पति उससे उदासीन रहे? एक स्त्री के लिए इससे बड़े अपमान की बात और कुछ नहीं हो सकती। इतने उमंगों के साथ विवाह किया था मैंने आपसे, कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी इच्छाओं का ऐसे दमन होगा। यदि आपके मन में मेरे लिए इतना भी प्रेम नहीं है कि एक बार अपने नेत्र उठाकर मुझे देख ही ले, तो क्या लाभ है ऐसे नेत्रों का? यदि 16 श्रृंगार करने के बाद भी आपकी दृष्टि मुझे नहीं देख सकती, तो व्यर्थ है ऐसा जीवन। और व्यर्थ है आपकी ऐसी दृष्टि। इसलिए मैं पतिव्रता धामिनी अपने सतत्व के सभी पुण्यों को साक्षी मानकर आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद आपकी दृष्टि जिस पर भी पड़े उसका सर्वनाश हो जाएगा। मुझे उस क्षण का स्मरण मत कराओ। क्रोध में आकर मैंने एक शिव भक्त की तपस्या को भंग करने का दुस्साहस किया था और उस पाप का फल मैं आज तक भुगत रही हूं। अब चाहे कितने भी अच्छा क्यों ना हो, मेरे पति एक क्षण के लिए भी दृष्टि उठाकर मुझे देख तक नहीं सकते। तिल के लड्डू बन गए हैं ना? दोनों के यहां खड़े रहने से तुम्हारे भाई वापस नहीं आएंगे। जाओ दान की वस्तु लेकर आओ, पूजा के बाद दान करना है। जी मां, अभी लाए। देवी धामिनी के श्राप के बाद आपकी दृष्टि ना केवल उनके लिए बल्कि पूरे संसार के लिए अभिशाप बन गए। पिता की उपेक्षा, मां से वियोग और पत्नी के श्राप जैसे अनेक दुखों से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा आपकी तपस्या के कारण तपोबल में बदल गई और उसी तपोबल का परिणाम है आपकी वक्र दृष्टि और उसका अद्भुत प्रभाव। अब यह दृष्टि जिस प्राणी पर पड़ती है उसकी दुर्गति निश्चित ही हो जाती है। जीवन की विपरीत परिस्थितियों ने आपको कठोर तो अवश्य बनाया प्रभु, पर क्रूर नहीं बना पाए। महादेव ने आपको दंडाधिकारी के पद पर आसीन किया क्योंकि आप स्वभाव से ही निष्पक्ष हैं। किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति या स्थान से कोई भी भावनात्मक लगाव नहीं रखते आप। बस कर्मों का फल देकर न्याय करते हैं।
एक संपूर्ण ग्रह के स्वामी होने के बाद भी आप में तनिक भी अहंकार नहीं है। इतना अपमान सहा आपने, पर फिर भी प्रतिशोध की भावना को अपने भीतर पनपने नहीं दिया। अधर्मी को कभी क्षमा नहीं करते आप, और धर्म का पालन करने वालों का तनिक भी अहित नहीं करते। आपकी वक्र दृष्टि प्रभावी है, बहुत प्रभावी है, पर उससे भी अधिक प्रभावशाली है आपकी कृपा दृष्टि। आपकी कृपा का आशीर्वाद जिसे भी मिल जाए, उसे धन धान समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ अपने आप मिल जाता है। इसलिए मैं जानता हूं प्रभु, आप संकट कारक नहीं हैं। मैं आपको नमन करता हूं प्रभु। करुण, तुमने अपने वचन का मान रखा, हमारे जन और जीवन की कथा पूर्ण शुद्धता से सुनाई, और बहुत ही बुद्धिमानी से तुमने अपनी माँ की चुनौतियों को हमारी माँ की कठिनाइयों के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया, ताकि तुम हमें भावुक कर पाओ। इसे एक बात सिद्ध होती, प्रारंभ में भले ही तुम मौन रहे हो, लेकिन वार्तालाप की कला में तुम पारंगत हो। करुण, क्या हुआ? तुझे कोई संकेत मिला? संकेत नहीं मिला दीदी, वो स्वयं दिखा मुझे अभी अभी एक पल के लिए इस दिए में। और साथ में उसके नाग भाई भी थे। इस संकेत का क्या अर्थ हुआ? उन पर कोई संकट तो नहीं? यदि तुम्हें प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारी ये कला तुम्हें सुरक्षित रख सकती है, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है गरुड़। महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप इन सभी पे अपनी कृपा कीजिए। मैं आपकी एक इच्छा पहले ही पूर्ण कर चुका हूँ देवी। हम सब ने गरुड़ को सुना है, परंतु हमारी व्यक्तिगत भावनाएं न्याय के मार्ग में अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकती। मैं अपने धर्म का पालन करूंगा देवी, और शनि दरबार में इन सब के भाग्य का निर्धारण भी वैसे ही होगा जैसे आज तक होता आया, उचित प्रक्रिया के माध्यम से। मैं तुम सब के हृदय, आत्मा और मस्तिष्क की गहराइयों में झांकूंगा। फिर मैं निर्णय लूंगा कि तुम क्षमा के योग्य हो या दंड के। महाराज, गरुड़ के संस्कार तो आप देख ही चुके हैं, और शेष उन्हीं के भाई हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप इन सभी पे अपनी कृपा कीजिए। मैं आपकी एक इच्छा पहले ही पूर्ण कर चुका हूं देवी। हम सब ने गरुड़ को सुना है, परंतु हमारी व्यक्तिगत भावनाएं न्याय के मार्ग में अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकती। मैं अपने धर्म का पालन करूंगा देवी, और शनि दरबार में इन सब के भाग्य का निर्धारण भी वैसे ही होगा जैसे आज तक होता आया है, उचित प्रक्रिया के माध्यम से। मुझे कुछ क्यों नहीं दिख रहा है?
मेरे पुत्र क्यों नहीं दिखाई दे रहे मुझे? मौन क्यों है तू? क्या दिखा तुझे? और तो कुछ नहीं दिखा, पर इतना आभास अवश्य हुआ कि हमारे पुत्रों को अब कोई कठिन परीक्षा देनी होगी। यदि वो उसमें सफल हो गए तो हमारे पास वो निश्चित ही सुरक्षित लौट आएंगे, और यदि सफल नहीं हुई तो? हे प्रभु, मेरे पुत्र वापस आ जाए सुरक्षित, बिना आहित हुए। गरुड़, सही कहा तुमने, मेरे जीवन की परिस्थितियों ने मुझे कठोर बना दिया है, परंतु ये कठोर आज तुम्हें केवल इसलिए क्षमा नहीं करेगा क्योंकि तुमने अपनी माँ की कथा स्मरण करके हमें सुनाई है। मैं तुम सबके हृदय, आत्मा और मस्तिष्क की गहराइयों में झांकूंगा। फिर मैं निर्णय लूंगा कि तुम क्षमा के योग्य हो या दंड के, और उसके लिए मैं तुम सबकी परीक्षाएं लूंगा। परंतु ध्यान रहे, तुम में से एक भी, किसी एक भी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ तो तुम सबको शनि की साढ़े साती का प्रकोप सहना होगा। मैं आप सबको सुरक्षित लेकर जाऊंगा यहां से। विपदा में व्यक्तित्व निखरता है गुरु, इसलिए सामने कितना भी घनघोर संकट क्यों ना आए, तू सदैव अपने आदर्शों पर अड़िग रहना। यदि तू ऐसा कर पाया तो अपने आप संसार के लिए वंदनीय बन जाएगा। देव, मेरी माँ कहती है कि परीक्षा से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि तुम्हें सही उत्तर पता हो तो आत्मविश्वास बढ़ता है, यदि ना पता हो तो ज्ञान। इसीलिए आप कैसी भी परीक्षा क्यों ना लें, मैं तैयार और उत्सुक भी। शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। प्रथम परीक्षा के रूप में मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूंगा गुरु, और इस कर्पूर के पूर्ण तरह जल जाने से पहले तुम्हें उन सभी के उत्तर देने होंगे। जो आज्ञा शनिदेव। पहला प्रश्न, जिस जल में सब कुछ घुल जाता है वो क्या है जिसमें जल स्वयं घुला हुआ है? वायुमंडल। और वायुमंडल किसमें घुला हुआ है? स्वर्ग में। और स्वर्ग? स्वर्ग और सभी शेष लोग वैकुंठ में घुले हुए हैं देव। वैकुंठ, वो किसमें घुला हुआ है? एक समय था जब कुछ भी नहीं था गरुड़, ना प्राणी ना जीवन, ना जड़ ना चेतन, ये पृथ्वी भी नहीं थी और ये सृष्टि भी नहीं। ईश्वर से पहले कुछ था तो केवल ओम का स्वर, वही परम ब्रह्म है, उसी से संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ है।
जब कुछ नहीं था तब ओम था, जब कुछ नहीं होगा तब भी ओम ही होगा, क्योंकि ओम ही परम ब्रह्म है। तुम अपनी पहली परीक्षा में सफल हुए गरुड़। शनिदेव हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ले और उनका कोई प्रभाव हमारे परिवार पे ना पड़े। प्रभाव ही तो है कालिया, महारानी एक दासी के साथ पूजा कर रही है। लगता है तुम्हारी माँ और विमाता को आभास हो चुका है कि तुम संकट में हो। उनकी प्रार्थनाओं की ध्वनि मुझ तक पहुंच रही है। माँ से कभी कुछ नहीं छिपता, न जाने कैसे वो मेरे बिना कुछ बताए सब कुछ जान जाती है। दूसरी परीक्षा और अधिक कठिन है करो। स्वामी इस बालक के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों कर रहे हैं? संन्यास शेष है या गृहस्थ जीवन? इस प्रश्न का सही उत्तर जानने के लिए तो मैं भी उत्सुक हूँ। तुम्हें क्या श्रेष्ठ लगता है गरुड़? मेरी दृष्टि में गृहस्थ जीवन अधिक श्रेष्ठ है देव। क्यों? कहा तो ये जाता है कि ईश्वर को जानने के लिए पहले स्वयं को पहचानना पड़ता है, और स्वयं को पहचानने के लिए सन्यास अनिवार्य है। जैसे कि आपने कहा, एक सन्यासी के लिए अंतिम लक्ष्य होता है ईश्वर या परम सत्य की खोज करना, पर यह खोज तो एक गृहस्थ भी कर सकता है देव। कैसे गरुड़? गृहस्थ गृहस्थी के बंधन में बंधा होता है, उसे अपने साथी की और अपने बच्चों की चिंता होती है, परंतु सत्य की खोज तो वो कर सकता है जो स्वतंत्र हो। किसी की चिंता करना बंधन नहीं, प्रेम होता है देव। प्रेम भी तो एक बंधन ही है गरुड़। क्षमा करें देव, यदि प्रेम निस्वार्थ भाव से किया जाए तो बंधन नहीं होता। ऐसा मानने के लिए तुम स्वतंत्र हो गरुड़, पर इसको सिद्ध करने के लिए कोई उदाहरण दे सकते हो? अपने पिता सूर्यदेव का प्रेम देखिए शनिदेव। चाहे फूल हो या कांटे, सूर्यदेव समान रूप से सभी को अपनी धूप अपनी ऊर्जा देते हैं ताकि संसार को जीवन शक्ति मिल सके। पवन देव बिना किसी भेदभाव के सभी को वायु देते हैं। बादल वर्षा और चंद्रदेव शीतलता देते हैं। संपूर्ण प्रकृति हर क्षण अपने उदाहरण से हमें यही संदेश देती है कि प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। जैसे ये सब करते हैं, ये सभी अपना कर्तव्य बिना किसी अपेक्षा के निभाते हैं। इन्हें इसके बदले किसी से कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए ये सब बंधन में नहीं है, पूरी तरह स्वतंत्र है। ऐसे ही जब एक ग्रस्त बिना किसी स्वार्थ के बदले में कुछ पाने की आशा के बिना अपने परिवार की चिंता करता है, उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाता है, तो वो बंधन में नहीं रहता प्रभु। ऐसा ग्रस्त सहज प्रयास से ही परम सत्य अर्थात ईश्वर को पा लेता है। परंतु गरुड़, एक सन्यासी भी तपस्या करके ईश्वर को पा लेता है, तो
ग्रह सर्वश्रेष्ठ कैसे हुआ? जब एक सन्यासी ईश्वर को ढूंढने के लिए धर्म के मार्ग पर चलता है तो वो अकेला रहता है, पर जब एक ग्रस्त भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसके साथ पूरा कुटुंब ईश्वर के पथ पर अग्रसर हो जाता है। सन्यासी का ज्ञान बस उसी तक सीमित रहता है, और जो ज्ञान गृहस्थ अर्जित करता है उसे अपने परिवार के साथ, पास पड़ोसियों के साथ, संबंधियों के साथ बांटता है। उस कुटुंब की परंपरा के रूप में यह ज्ञान आने वाली कई पीढ़ियों तक पहुंचता है। इसीलिए मेरा मानना यह है देव कि सन्यासी आदरणीय होता है, पर उससे भी कहीं अधिक श्रेष्ठ ग्रस्त होता है। और अगली परीक्षा से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं गरुड़, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा ज्ञान अद्भुत है। तुमने अपनी मां के कहे एक एक शब्द को अपने मन में संजो के रखा है, और जीवन जब जब तुम्हारे सामने चुनौतियां प्रस्तुत करेगा ये कुशलता तुम्हारी सबसे बड़ी सहायक सिद्ध होगी। और अब मेरा अंतिम प्रश्न, तुम्हारी मां सदैव अच्छे कर्म करती है, कभी किसी का बुरा नहीं किया उन्होंने, फिर भी उनके और उनके पुत्र के भाग्य ने उन्हें दास बना दिया। तो बताओ गरु, कर्म बड़ा हुआ या भाग्य? मैं महर्षि कश्यप की पत्नी विनता अपनी बहन कद्रु की मैं महर्षि कश्यप और माँ विनता का पुत्र गरुड़, मेरी विमाता महारानी कद्रु और उनके 1,000 पुत्रों की दासता स्वीकार करता हूँ। पूजा तो अच्छे से संपन्न हो गई दीदी, अब दान देना आरंभ करें। ये काली उड़द की दाल, काले तिल और नीलम रत्न है, बस मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि शनि देव के ग्रह से मेरे पुत्र सुरक्षित लौट आए। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा पुत्री, शनिदेव तुम्हारे पुत्रों पर कृपा करें, उन्हें सुरक्षित अपने ग्रह से निकल जाने दें। बाबा, ईश्वर की प्रेरणा से मेरी ओर से ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। आशीर्वाद में कुछ विशेष नहीं मांगोगे पुत्री? आपको जो उचित लगे अपनी पुत्री समझकर दे दीजिए। अद्भुत पुत्री, अद्भुत, जो मांगता है उसे बस वही मिलता है जिसकी उसने इच्छा व्यक्त की है, पर जो नहीं मांगता उसे ईश्वर वो सब कुछ देते हैं जो उसके लिए उचित होता है। तुम निश्चिंत रहो, शनिदेव तुम्हारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे, तुम्हारे पुत्र को कभी कोई हानि छू कर भी नहीं जाएगी। ऐसी बातें करके विनता क्या सिद्ध करना चाहती है कि उसका पुत्र प्रेम मुझसे अधिक निस्वार्थ है? आइए बाबा, अपना स्थान ग्रहण कीजिए, भोजन कर लीजिए। पशु आखिर पशु ही होते हैं, देख रहे हो भैया, इतने प्रेम से खिलाने का प्रयत्न कर रहा हूं फिर भी नहीं खा रहा। अरे खा रे, उसे भी वश मत करो, मैं खिलाती हूं। भोजन सामने है पर पशु होकर भी खाने में कोई रुचि क्यों नहीं दिखा रहा है? यदि इसने भोजन ग्रहण नहीं किया तो इसका अर्थ होगा कि शनिदेव मेरी पूजा से प्रसन्न नहीं है, और यदि ऐसा हुआ तो मेरे पुत्र। अरे
कर्म बड़ा है या भाग्य, ये विवाद तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है प्रभु। सत्य तो ये है कि ये प्रश्न मैंने स्वयं से और अपनी माँ से कई बार किया है कि हमारा जीवन ऐसे क्यों है, पर मेरी माँ कहती है कि जो जिसके योग्य होता है ईश्वर उसे वही देते हैं। हम में से अधिकतर व्यक्ति कई बार एक पल ठहर कर जब अपने आप को देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि ऐसा कठिन जीवन हमें क्यों मिला, पर कालांतर में सच्चे और परिश्रमी व्यक्ति के लिए जीवन की वही कठिनता सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मेरे अरुण भैया, जिनके भाग्य में अर्धविकसित अवस्था में जन्म लेना लिखा था। पर उनकी तपस्या से उन्होंने जो कर्म किया उसके कारण वो आज सूर्य देव के सारथी बन गए। इससे यही सिद्ध होता है देव कि भाग्य में जो लिखा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, अधिक महत्वपूर्ण है भाग्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण। मेरी माँ के भाग्य में दासी बनना लिखा था, पर उनके सोच विचार के ढंग ने उन्हें साध्वी बना दिया। दृष्टिकोण हमारा विषय नहीं है गरुड़, प्रश्न का उत्तर दो, कर्म बड़ा है या भाग्य? हम अपने भाग्य से नहीं भाग सकते देव, पर हमारे कर्म वो शस्त्र हैं जिनके माध्यम से हम अपने भाग्य को संचालित कर सकते हैं। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि भाग्य को बदला भी जा सकता है? यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हो सकता है कि हम अपने भाग्य को भी बदल पाए। गरुड़, तुम्हें अपने कहे एक एक शब्द को उदाहरण के साथ सिद्ध करना होगा, अन्यथा तुम्हारा उत्तर स्वीकार नहीं जाएगा और तुम इस परीक्षा में असफल हो जाओगे। मेरी माँ ने बताया था कि एक बार माता लक्ष्मी ने श्री विष्णु से यही प्रश्न पूछा था। प्रभु विष्णु ने उन्हें एक दृश्य दिखाया जिसमें एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। एक चोर को उधर से जाना था, वो चोर वो गाय के ऊपर पांव रखकर दलदल पार करके चला गया और उस दिन उस चोर को 4 स्वर्ण मुद्राएं मिली। फिर कुछ ही समय बाद वहां से एक निर्धन वृद्ध ब्राह्मण निकले, गाय को मृत्यु के मुंह में देखकर उनसे सहा नहीं गया। अशक्त होने के बाद भी उन्होंने अपना पूरा बल लगाया और एक रस्सी की सहायता से उस गाय की प्राण रक्षा कर ली, पर इस प्रयास से वो स्वयं नीचे गिर गए और उनके घुटनों में चोट लग गई। पर ऐसा क्यों? जिसने बुरा कर्म किया उसे पारिश्रमिक मिला और जिसने अच्छे कर्म किए उसे दंड? माता लक्ष्मी ने भी प्रभु विष्णु से यही प्रश्न किया। तब प्रभु विष्णु ने बताया कि उस दिन उस चोर के भाग्य में बहुत अधिक स्वर्ण था, पर कुकर्म के कारण उसे केवल 4 मुद्राएं मिली और दूसरी ओर उन ब्राह्मण के भाग्य में मृत्यु थी, पर अच्छे कर्म के कारण केवल एक साधारण सी चोट आई और सामने खड़े यमदूत वापस लौट गए। गरुड़, तुमने हमारे सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए, तुम इस परीक्षा में सफल हुए। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहता हूं। बोलो, तुम्हारे हृदय की सबसे प्रबल इच्छा क्या है? खाली खाली ना
माँ के खिलाने पे भी निखार। कितना हट्टी है ये। हमारी ओर से छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। शिशवान ऐसे कैसे खा रहा है? तो खाने लगा। आदेश और विनती का अंतर था दीदी। आदेश सुनते ही मन विरोध करना चाहता है, पर यदि कोई नम्र भाव से विनती करे तो हृदय उसे स्वीकार करके उस बात को मानने की प्रेरणा देता है। ज्ञान बांटने की कृपा ना करें। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि मेरे पुत्र शनिदेव के वहां से वापस आ जाए। श्वान ने सारे दही चावल समाप्त कर लिए। अब अवश्य ही शनिदेव कृपा करेंगे। अब सब ठीक होगा। आपने मुझे अपने वरदान के योग्य समझा, इससे अधिक प्रसन्नता की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती देव। पर इस समय मेरे मन में केवल एक ही इच्छा है कि आप मुझे और मेरे भाइयों को यहां से जाने की अनुमति दें, ताकि मैं बड़ी माँ के दिए कार्य को पूरा करके शीघ्र ही अपने घर लौट सकूं। यहां से जाने की अनुमति तो तुम्हें वैसे भी मिल जाती पुत्र। तुम कुछ अधिक, कुछ बड़ा भी तो मांग सकते थे। तुम चाहते तो अपनी माँ की मुक्ति का वरदान भी मांग सकते थे। क्षमा करें देवी, पर जो कर्म मुझे अभी करना है मैं उसके लिए चिंतित था, इसलिए मां की मुक्ति का विचार मेरे मन में आया ही नहीं। गरुड़, तुमने एक बार फिर हमें अपनी कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित किया। जो पहले नहीं मांगा, चाहो तो अब मांग लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शनिदेव, पर सत्य तो ये है कि मेरी माँ के लिए उनकी सौगंध को निभाना ही उनका धर्म है। वो कभी अपने वचनों से पीछे नहीं हटेंगी। जब तक बड़ी माँ स्वयं उन्हें दासता से मुक्त नहीं कर देती, मेरी माँ अपने आप को मुक्त नहीं मानेंगी। इसलिए यदि मुझे मेरी माँ को दासता से मुक्त करवाना है तो मुझे पहले बड़ी माँ को प्रसन्न करना होगा, फिर चाहे ये कितना भी कठिन क्यों ना, इसमें कितना भी समय क्यों ना लगे। तुम अद्भुत हो गरुड़, और अद्भुत है तुम्हारी माँ। दुमल, मैं तो ठीक हूँ। मैं भी। आपने हमें जीवन दान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद अपने भाई गरुड़ को दो, इसी ने तुम सबके प्राणों की रक्षा की है। धन्यवाद गरुड़। अब आज्ञा दीजिए शनिदेव। तुम्हारी यात्रा निर्विघ्न पूरी हो गरुड़, तुम अपने सभी प्रयासों में सफल हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें देवी। ये तो तुम्हें दृष्टि उठाकर देख भी नहीं सकते, किंतु इनकी ओर से मैं तुम्हारी छवि अपनी आंखों में बसा रही हूँ। आज इनकी कथा को इतने सुंदर रूप से तुमने मेरे सामने प्रस्तुत करके मेरा तो हृदय ही जीत लिया है पुत्र। भविष्य में जब भी कोई शनिदेव की कथा कहेगा, मुझे तुम्हारी स्मृति आएगी पुत्र, और उसका कल्याण होगा।
गरुड़, देवी धामिनी का आशीर्वाद अवश्य फलेगा। जब तुम सब मेरे बंदी थे, तब तुम्हारी माँ ने पूरे विधि विधान के साथ मेरी स्थापना की, पूजा अर्चना की, ब्राह्मणों को दान दिए, काले श्वान को भोजन कर। ये उन्हीं की पूजा का फल है जो तुम सभी नाग भाई यहाँ से सुरक्षित लौट पा रहे हो। इस संसार में जब जब कोई माँ अपनी संतान की राशि से मेरी दृष्टि के प्रकोप को हटाने के लिए अच्छे कर्म करेंगी, तो मैं उसका फल उस माँ और उनकी संतान को अवश्य दूंगा। जय शनिदेव। थोड़ा और लीजिए बाबा। बस पुत्री, पेट आवश्यकता से अधिक भर गया है और पेट से अधिक भर गया है मन। तुम्हारे सद्व्यवहार से आपने और श्वान ने मन भर के भोजन किया, यह अवश्य ही मेरे प्रभु का आशीर्वाद है। आप दोनों ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान भव। शनिदेव, जिस तरह आपने मेरी पूजा की और जिस तरह आपने अपने पुत्र का पालन पोषण किया है, उसे हम अति प्रसन्न हुए। देवी, आपने गरुड़ के तन को साहस, मन को धर्म के सुविचारों और आत्मा को भक्ति से सींचा है, और वो भी तो आपके कहे हर शब्द को प्रत्येक क्षण स्मरण रखता है। उसके हर कर्म में आपके दिए संस्कार दिखाई देते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है भविष्य में आपका पुत्र अपनी मातृभक्ति के लिए जाना जाएगा। भविष्य में आपका पुत्र अपनी मातृभक्ति के लिए जाना जाएगा। भविष्य में आपका पुत्र अपनी मातृभक्ति के लिए जाना जाएगा, और वो केवल आपके लिए ही नहीं परंतु समस्त संसार के उद्धार में सहायक होगा। विरोधाभास देखिए देवी कद्रु, आपके पुत्र असभ्य पशुओं के समान। उन्होंने हमारे सैनिकों पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया, और परिणाम वही हुआ जो होना था, आपके पुत्र घायल हो गए। पर आप चिंता मत कीजिए, आपके पुत्रों की पीड़ा भी गरुड़ ने हर ली। जब मैंने उसे वरदान मांगने को कहा, तो उसने स्वयं की चिंता ना करते हुए अपने नाग भाइयों की सुरक्षा मांग ली। ऐसा है उसका व्यक्तित्व। इसका अर्थ है मेरे पुत्र सुरक्षित हैं। हाँ, अभी तक तो सुरक्षित है, और शीघ्र ही आपके पास लौटेंगे। परंतु यहां मैं आपको चेतावनी देने आया हूं देवी कद्रु, जो बीज आज आप बोएंगी कल वही वृक्ष बनेगा। और अभी भी समय है देवी कद्रु, देवी विंता और उनके पुत्र को कष्ट देने का पाप मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ही षड्यंत्रों की ज्वाला आपके सुख को जला के भस्म कर दे।
नंदी, जब तुम आहत हुए थे बहुत कष्ट हुआ होगा ना? कष्ट की बात ही मत कर तरकोटा, अब जा रहे हैं यहाँ से, शुभ शुभ बोल। ये गरुड़ कहाँ गया? अभी अभी तो यहीं था, फिर किधर गया ये? मेरे होते हुए भी आप सबको घाव लग गए। मैंने बहुत प्रयास किया था कि कोई भी चोटिल ना हो, पर मैं सफल रहा। मुझे क्षमा करना मित्र। जो प्राणी विशेष नहीं होते, महत्वपूर्ण पदों पर आसीन नहीं होते, जो संसार में सबकी आंखों के सामने होते परंतु अधिकतर किसी को दिखाई नहीं देते, ऐसे साधारण जनों की सेवा कर तुमने मेरे हृदय में एक विशेष स्थान प्राप्त किया है गरुड़। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान और देना चाहता हूं। आज से मेरी वक्र दृष्टि तुम पर कभी नहीं पड़ेगी। दीदी, हमारे पुत्र स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और शीघ्र ही हमारे पास लौट कर आ रहे हैं। स्वयं शनिदेव ने आकर हमें यह आश्वासन दिया है, इसलिए हमें वही करना चाहिए जो उन्होंने कहा है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय तू सुनाएगी मुझे। अपना स्थान मत भूल दासी। शनि देव ने तेरे पुत्र की प्रशंसा क्या कर दी, तेरी जीवा इतनी लंबी हो गई कि तो मुझे समझाने लगी है। ऐसा नहीं है महारानी। समय नष्ट मत कर और जाए यहां से। मेरे पुत्रों के स्वागत की तैयारी कर। मृत्यु के मुख से लौट कर आ रहे मेरे वीर पुत्र, स्वागत ऐसा होना चाहिए कि देखने वालों की आंखें धुंधली हो जाए। जी। स्वयं शनिदेव ने समझाया, पर उनके वचनों को भी अनसुना कर दिया दीदी ने। गरुड़, अब कहीं और मत भटका देना हमें। सीधा चलना और कहीं पर भी मत रुकना। हाँ, सीधा सूर्य लोग पहुंचकर ही सांस लेना, समझे या नहीं? ये प्रसाद के पेड़े यहाँ कैसे हैं? तुम दोनों ने प्रसाद नहीं लिया? हम सब तो प्रसाद ले चुके, ये महारानी कद्रु और उनके पुत्रों का है। दीदी से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण ना करने से देवताओं का अपमान होता है, पर शनिदेव ने उन्हें चेतावनी दी थी, हो सकता है उसी के कारण वो चिंता में डूब गई हूँ और उन्हें प्रसाद का ध्यान ही नहीं रहा हो। हे शनिदेव, दीदी और उनके पुत्रों से अनजाने में ये भूल हुई है, उन्हें क्षमा कर दीजिएगा।
बेकार ही इतना भय लग रहा था हमें। पहले पता होता कि शनि महाराज अपनी स्तुति सुन के इतना प्रसन्न हो जाएंगे, तब तो मैं आते ही उनके सामने उनकी प्रसन्नता के फुल मान देता है। यह अन्य ग्रहों से कितना भिन्न दिखता है ना? अभी तो इसके पिता ने सौर मंडल में इतना अधिक दूर स्थान दिया है इसे। ना रंग है ना रूप है, कितना कुरूप है। मैं तो ये सोच रहा हूँ ऐसे व्यक्ति को इतनी रूपवती पत्नी मिल कैसे गई। इतनी बड़ी दृष्टता, मैंने तुम सब नागों को क्षमा की, यहाँ से सुरक्षित जाने का अवसर प्रदान किया, परंतु तुम सब नाग मेरी दया के योग्य नहीं, और अब तुम्हारी माँ को कष्ट सहना होगा और तुम्हें भोगना होगा मेरा दंड, और तुम्हें भोगना होगा मेरा दंड। करोड़ करोड़ करोड़, जिसने भी उसका भाग्य लिखा है पता नहीं उसे हमसे क्या शत्रुता है। किसी को क्या दोष देकर लिया जब अपने ही भाई विरोधी के पक्ष में हो। क्या आवश्यकता थी उन्हें उस गरुड़ के साथ वहां जाने की। अपने भाइयों को तो तुम नियंत्रण में कर लोगे, किंतु उस गरुड़ का क्या? अब तो विंता भी जानती है कि मैंने उसे सूर्यलोक क्यों भेजा था। उसे मेरी चाल समझ आ चुकी है, अब वो पहले से अधिक सावधान रहेगी और उस गरुड़ को सतर्क कर देगी। महारानी, आपका प्रसाद। प्रसाद देने के बहाने हम पर दृष्टि रखने आई है। नहीं महारानी, मैं भला ऐसा क्यों? तेरे स्पष्टीकरण में रुचि नहीं है मुझे। प्रसाद रख और जा यहां से। जी। मेरे पुत्र शीघ्र ही यहां वापस लौट आएंगे, उनके स्वागत सत्कार के बाद मैं तेरे पुत्र से निपटूंगी। अरे गरुड़, तुम पृथ्वी की ओर क्यों जा रहे हो? हमें तो सूर्य लोक जाना था ना गरुड़। तुम्हें कहा था ना हमने कि सूर्यलोक पहुंचने से पहले कहीं मत रुकना। भैया ये भी कहा था कि तीव्र गति से उड़ो और सीधे सूर्यलोक पहुंचकर ही रुकना। मैं आप सबको सूर्यलोक लेकर नहीं जा सकता। हमारे आदेश का उल्लंघन कर रहे हो गरुड़, तुम हमारे दास हो।
और जो हम चाहेंगे वही तुम्हें करना होगा, नहीं तो फिर हम तुम्हें दंड देंगे। दीजिए दंड, जो दंड देना है दीजिए, परंतु मैं आप सबको सूर्यलोक लेकर नहीं जाऊंगा। आपको आभास तक नहीं है कि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। मैंने सुना था कैसे कैसे दुर्वचन कह रहे थे आप शनिदेव के बारे में, ये जानते हुए भी कि उनका जीवन इतना कष्टदायक था आपने उनका उपहास उड़ाया। लज्जा आनी चाहिए, उनके सैनिकों पर आक्रमण किया, उन्हें चोटिल किया, फिर भी शनिदेव ने आप सबको स्वस्थ कर वहां से सुरक्षित जाने दिया। आप सबने क्या किया, उनकी दया को दुर्बलता समझा। बहुत बड़ी भूल की आप सबने। केवल और केवल हमारी माँ की पूजा और प्रार्थना का परिणाम है कि शनिदेव की वक्र दृष्टि से बच पाए हम। परंतु बस, आप सभी को सुरक्षित घर पहुंचाना मेरा दायित्व है और मैं आप सभी के प्राणों को और अधिक संकट में नहीं डाल सकता। क्या पता शनिदेव की तरह आप सबने सूर्यदेव का भी अपमान किया तो? उसने साहस भी कैसे किया मेरे पुत्र को अपने साथ ले जाने का, वो भी मेरी आज्ञा के बिना। कुछ अधिक ही बुद्धिमान हो गया है वो। कल रात आया था मेरे पास तेरी मुक्ति की विनती करने। और आज मेरे पुत्रों को मेरी आंखों के सामने उड़ा कर ले गया। मैं पुकारती रही किंतु उसने नहीं सुना। मेरी नहीं, उसे तो तेरी भी ध्वनि नहीं सुनाई पड़ी। उसे क्या लगता है वो धमका के भयभीत करके अपनी बात मनवा लेगा? भयभीत होना मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा नहीं है महारानी, मेरा गरुड़ ऐसा करना तो दूर ऐसा सोच भी नहीं सकता है। सब कुछ आप ही तय करेंगी दासी मां। गरुड़ क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये तो हमें तय करने दीजिए दासी मां। आप समझी या नहीं? कतरू नाम है मेरा, नाग माता कतरू। तुमने हमें हमारी भूल का आभास करा दिया है, अब ऐसा फिर कभी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा गरुण, तुम अगर चाहोगे तो हम मौन धारण कर लेंगे, एक शब्द भी नहीं कहेंगे। मान जाओ ना गरुण, अब से हम कुछ भी अनुचित नहीं कहेंगे। हाँ, बल्कि हम मानव रूप धारण ही नहीं करेंगे, नाग रूप में हम तुम्हारे पंख में कहीं छुप कर बैठ जाएंगे ताकि हमारे अस्तित्व का पता ही ना चले। हमें बस दूर से देखने का आनंद लेने दो ना गरुण, और धूमल भैया कह चुके हैं ना हम मौन धारण कर लेंगे, इतने शांत कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा हम तुम्हारे साथ हैं। आप सब नहीं समझ रहे हैं, सूर्यलोक में पता नहीं माँ फिर हमें भ्रमण पे जाने की अनुमति देंगी भी या नहीं। तुम हमारे लिए इतना नहीं करोगे मेरे भाई? ठीक है, परंतु आप सबको एक वचन देना होगा, आप सब ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे हम पर संकट आए। हम वचन देते हैं। ठीक है,
ना रंग है ना रूप है, कितना कुरूप है। मैं तो ये सोच रहा हूँ ऐसे व्यक्ति को इतनी रूपवती पत्नी मिल कैसे गई। मेरी वक्र दृष्टि के कारण तुम नाग सूर्य लोक तक कभी नहीं पहुंच पाओगे और ये बात गरुड़ को ज्ञात भी नहीं होगी। अच्छा है ये सभी नाग अपना वचन निभा रहे हैं और मौन है, ये बोलेंगे नहीं तो कोई समस्या भी खड़ी नहीं होगी। स्वामी, गरुड़ को आपने वरदान दिया था इसलिए आपकी वक्र दृष्टि का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उसे ये तक आभास नहीं हुआ कि उसके भाइयों की इतनी अधिक दुर्गति हुई है। पर जब उसे पता चलेगा तब क्या होगा स्वामी? क्या कद्रु अपने पुत्रों को अर्धमृत अवस्था में देखकर गरुड़ के प्रति अपने क्रोध को नियंत्रित कर पाएगी? क्या स्वयं उसकी माँ विनता उसे इस बात के लिए क्षमा कर पाएगी कि वो अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए असफल रहा? और गरुड़, वो तो इतना संवेदनशील है कि उसने वरदान में भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, केवल अपने भाइयों के लिए सुरक्षित वापसी की इच्छा प्रकट की थी। ऐसे में स्वामी, क्या वो स्वयं को क्षमा कर पाएगा? गरुड़ के कारण मैं पहले भी उन नागों को एक बार क्षमा कर चुका हूँ, पर अब और नहीं। दंड के योग्य अपराधियों को जब बार बार क्षमा मिलती है तो वो दया को दुर्बलता समझने लगते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। मैंने उन नागों और उनकी माता दोनों को चेतावनी दी थी, फिर भी उन नागों ने अपने शब्दों से हमारा अपमान किया और उनकी माता ने प्रसाद का तिरस्कार करके ऐसे दुर्व्यवहार को स्वीकारा नहीं जा सकता। रहा प्रश्न गरुड़ का, इस घटना से उसे भी एक महत्वपूर्ण सीख मिलेगी। उसे सीखना होगा कि कौन दंड के योग्य है और कौन दया के, क्योंकि भविष्य में उसे भी बार बार ऐसे निर्णय लेने होंगे। अरुण, कुछ क्षण के लिए तुम अदृश्य होकर रथ चला। इतने समय बाद मैं अपने भाई को देख रहा हूं और प्रभु मुझे अदृश्य होने का आदेश दे रहे हैं। मैं तुम्हारी दुविधा समझता हूं अरुण, मुझे गरुड़ की परीक्षा लेनी होगी, अब शीघ्रता करो।
सूर्यदेव। अरुण भैया कहाँ है? प्रणाम सूर्यदेव। मुझसे कौन सी भूल हो गई कि सूर्यदेव ने ना तो मुझे देखा और ना ही मेरा अभिवादन स्वीकार किया। गरुड़ का प्रणाम स्वीकार कीजिए सूर्यदेव। अरुण भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे और सूर्यदेव मेरी ओर देख भी नहीं रहे, तो मैं इनसे बात कैसे करूं? यदि गरुड़ को मुझसे कोई चर्चा करनी है तो उसे स्वयं ही कोई मार्ग निकालना होगा। सूर्यदेव चलात्मान रुकेंगे नहीं, मैं यहीं रुकता हूँ, वो चक्कर काट के यहीं से फिर आएंगे। ओम आदित्याय नमः, 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 ओम आदित्याय नमः। पक्षीराज, तुम्हारी आतुरता देखकर लग रहा है कि कोई विशेष कार्य से मेरे पास आए। हाँ सूर्यदेव, आपसे कहाँ कुछ छुपाता है, वो मेरी बड़ी माँ की इच्छा थी। खैर, तुम तो मेरे रथ से भी तीव्र गति से भाग रहे हो गरुड़। मेरे एक मंत्र का उच्चारण किया और अपनी इच्छा प्रकट कर बैठे। यदि मुझसे कुछ मांगने का अधिकार चाहते हो तो मेरी बात भी तो सुननी होगी ना। क्षमा करें देव, आतुर हूं इसलिए भूल कर गया। अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ गरुड़। ये सूर्य का रथ है गरुड़, समय की तरह ये भी ना तो किसी के लिए रुका है ना ही कभी रुकेगा। यदि मुझसे चर्चा करनी है तो ये दिया हाथ में लेकर तुम्हें उल्टा दौड़ना होगा। स्मरण रहे,
दिया बुझना भी नहीं चाहिए और इसका तेल गिरना भी नहीं चाहिए। देखते हैं तुम ध्यान केंद्रित कर पाते हो या नहीं। जो आज्ञा सूर्य देव। अरुण, अब कुछ क्षण के लिए प्रकट हो जाओ, फिर शीघ्र ही अदृश्य हो जाना। समझ गया प्रभु। आप मेरे भाई की परीक्षा लेना चाहते हैं। मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो पक्षीराज? मेरी मां ने बताया था कि परम ब्रह्म निर्गुण जो कुछ इस संपूर्ण सृष्टि के भीतर समाया हुआ है वो उसमें भी है और उसके बाहर। जब इसे साकार रूप धारण करना होता है तो ये समय की आवश्यकता अनुसार छह भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है। शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश, सूर्य, इन पांचों की पूजा हर घर में होनी चाहिए। इससे दुख, क्लेश, विपत्तियों का अंत होता है और घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का निवास होता है। सत्य कहा, पर तुमने छह साकार रूपों की चर्चा की थी और नाम केवल पांच का ही लिया। तो निर्गुण परम ब्रह्म का छठा साकार रूप कौन सा है गरुड़? छठा रूप है कार्तिकेय का, जो दीपक के रूप में सदैव इन सभी के साथ रहते हैं। मैं सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हूं सूर्यदेव, क्योंकि आज आपके इतने निकट आकर आपकी परिक्रमा करने का अवसर मिला है मुझे। मां कहती है जो जीव सुबह उठकर आपके दर्शन करते हैं, जो स्नान करने के बाद आपको जल चढ़ाकर आपको प्रणाम करते हैं, वो बहुत सुखी रहते हैं। इसीलिए सूर्यदेव, आज आपने मुझे अपने साथ साथ दौड़ने का आदेश देकर बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। मैं धन्य हुआ। यदि तुम्हें लगता है कि मैं सत्य ही इतना प्रशंसनीय हूं, परम ब्रह्म का रूप हूं, तो तुमने मेरे पुत्र के सामने मेरा वर्णन नकारात्मक रूप से क्यों किया? मैं सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हूं सूर्यदेव, क्योंकि आज आपके इतने निकट आकर आपकी परिक्रमा करने का अवसर मिला है मुझे। माँ कहती है जो जीव सुबह उठकर आपके दर्शन करते हैं, जो स्नान करने के बाद आपको जल चढ़ाकर आपको प्रणाम करते हैं, वो बहुत सुखी रहते हैं। उसे कोई भी रोग कभी नहीं छू सकता। उसके तन में ऊर्जा का वास होता है और विचारों में सकारात्मकता का। इसीलिए सूर्यदेव, आज आपने मुझे अपने साथ साथ दौड़ने का आदेश देकर बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। मैं धन्य हुआ। यदि तुम्हें लगता है कि मैं सत्य ही इतना प्रशंसनीय हूं, परम ब्रह्म का रूप हूं, तो तुमने मेरे पुत्र के सामने मेरा वर्णन नकारात्मक रूप से क्यों किया? क्या लगा था तुम्हें शनि का ग्रह दूर है तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वहां क्या हो रहा है और कौन किसके बारे में क्या कह रहा है? परंतु सूर्यदेव, मैंने तो वही कहा था जो मुझे अपनी मां से पता चला था। और वो सत्य भी था। जो कुछ मैंने कहा और किया वो सब। पर तुम्हें क्या लगता है मेरे भीतर के परम ब्रह्म ने अपने ही पुत्र के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया था? स्पष्ट बोलने के लिए क्षमा चाहता हूं सूर्यदेव, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी की बातों में आ गए थे। कौन है वो जिसने तुम्हारे अनुसार मुझे उकसाया था? किसकी चर्चा कर रहे हो तुम?
महादेव शिव शिव शिव। क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि प्रभु, आपने जो व्यवहार अपने पुत्र के साथ किया था वो महादेव की लीला थी। उन्होंने सब कुछ पहले से ही निर्धारित कर लिया था। वो ये भी जानते थे कि आपसे कुछ नहीं छिप सकता, इसलिए आपका पुत्र ही प्राणियों को उनके कर्मों का फल देने के लिए सबसे अधिक योग्य होगा। और वो ये भी चाहते थे कि शनिदेव को इतनी बड़ी शक्ति देने से पहले वो उनके व्यक्तित्व से अरिष्टवर्ग अर्थात सभी छह विकारों को दूर कर दे, ताकि शनिदेव निष्पक्ष होकर न्याय कर पाए। आपने भी इस लीला में उनका पूरा साथ दिया था प्रभु। सबसे पहले आपने अपने तेज को इतना असहनीय बना दिया कि आपकी पत्नी देवी संज्ञा अपनी छाया को साकार रूप देने पर विवश हो गई। आप दोनों जानते थे कि छाया में अहंकार नहीं होता, वो सदैव साथ चलती है। बस फिर हुआ वही जो आप चाहते थे। देवी छाया ने अपने गुण अपने पुत्र को भी दिए, इसीलिए शनिदेव में शक्ति तो बहुत है परंतु अहंकार तनिक भी नहीं। पहला लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपने देवी छाया और उनके पुत्र शनिदेव का तिरस्कार किया, उन्हें कम आयु में ही इतना अधिक क्रोध दिलाया कि उनके भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ा। तब उन्हें आभास हुआ कि क्रोध से केवल विनाश ही होता है। फिर उन्होंने कठिन तपस्या की और अपना सारा क्रोध त्याग दिया। और शिवजी ने यह भी निश्चित किया कि शनिदेव को छाया माँ से वो उपयुक्त संस्कार मिले जिसे वे दंडाधिकारी बनने के योग्य बन सके। पर पुत्र, एक बात हमेशा याद रखना, 100 दोषी मुक्त ही क्यों ना हो जाएं, पर एक भी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। फिर महादेव ने उन्हें वरदान स्वरूप दंडाधिकारी का पद दिया और ग्रहों में स्थान भी, पर फिर भी आपने उन्हें स्वयं से दूर ही रखा और एक साधारण लौ से बना आसन दिया ताकि उनके भीतर किसी भी प्रकार का लोभ पनप ही ना पाए। आओ शनि, अपना स्थान ग्रहण करो। परंतु अब भी एक कार्य शेष था। जब शनिदेव का विवाह देवी धामिनी के साथ हुआ तो आपको ऐसा लगा कि उनके भीतर काम वासना जाग सकती है और उन्हें अपने कर्तव्य पथ से हटका सकती है, इसीलिए आपने अचानक उस समय ऋतु परिवर्तन कर दिया जब शनिदेव महादेव शिव की तपस्या में लीन थे, ताकि देवी धामिनी स्वयं को रोक ना पाए और कामना के वश में आकर उनके पास चली जाए। फिर हुआ वही जो आपने और निहति ने उनके भाग्य में लिखा था। मैं पतिव्रता कामिनी अपने सतीत्व के सभी पुण्यों को साक्षी मानकर आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद आपकी दृष्टि जिस पर भी पड़े उसका सर्वनाश हो जाएगा। देवी धामिनी ने क्रोध में आकर अपने पति को ऐसा श्राप दिया जिसके कारण वो अपनी कामना पर नियंत्रण रखने के लिए विवश हो गए। शनिदेव नहीं जानते थे कि सब कुछ उचित ढंग से करने के बाद भी उनका तिरस्कार क्यों किया जा रहा है। जब संसार से मोह हटा तो उन्होंने अपने हृदय में प्रभु के प्रेम को स्थान दिया और इस प्रकार वो दयालु और दाता बने। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? अपने जन्म के बाद से मैंने केवल अपनी माँ को अपने पास पाया है। पिताजी
सदैव से ही मुझसे दूर रहे हैं, पर एक बार भेंट हुई थी उनसे। उन कुछ ही पलों में मुझे ये पता चल गया कि भले ही पिता माँ की तरह प्रेम नहीं दर्शाते, परंतु वो अपने पुत्र को हानि नहीं पहुंचा सकते। नारियल के फल की तरह होता है उनका स्वभाव, बाहर से कठोर परंतु भीतर से नरम, जल की तरह जीवनदायक, त्याग की मूर्ति होते हैं पिता। तभी तो अपने संतानों का व्यक्तित्व निखारने के लिए, उनके भले के लिए वो स्वयं भी बुरा बनने से नहीं झिझकते। तुमने पुराने घावों को कुरेद दिया है गरुड़, तुम्हें कल्पना भी नहीं है कि ये सब करना मेरे लिए कितना कठिन था। तुम तो उससे मिलकर आए हो गरुड़, बताओ कैसा है मेरा पुत्र, कैसा है मेरा शनि? जैसा आपने और महादेव शिव ने सोचा था बिल्कुल वैसे ही है शनि देव। महाबलशाली पर सौम्य, उग्र पर परोपकारी, शक्ति संपन्न फिर भी विनीत। सत्य तो ये है सूर्यदेव, उनसे मिलने के पश्चात मुझे आभास हुआ कि वो आपसे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं आपका। एक पुत्र अपनी माँ के साथ किसी भी विषय पर खुलकर बात कर सकता है, परंतु उसकी आंखों में केवल एक ही स्वप्न होता है, अपने पिता का गौरव बनना। गरुड़ ने सूर्यदेव से यह बात कहकर उनके मन के भार को हल्का कर दिया। भविष्य में जब जब पिता पुत्र के संबंध जटिल होंगे, तो यह प्रसंग सुनकर मतभेद मिटाए जाएंगे। जिस बुद्धि कौशल के साथ गरुड़ ने इस रहस्य को समझा है, उसे जानने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि गरुड़ अपने जीवन के लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेगा। समस्त संसार में सबसे बड़ा मात्र और पितृ भक्त कहलाएगा। गरुड़ और अन्य पुत्र अभी तक आए क्यों नहीं? वातावरण क्यों बदल गया? किनारा है, मेरे गरुड़ की रक्षा करना। ये दूध तो फट गया।
मैंने कुछ नहीं किया महारानी। अचानक वायु तीव्र गति से चलने लगी और दूध में कुछ गिर गया और दूध फट गया। पर दूध का ऐसे अपने आप फटना शुभ संकेत नहीं है। पता है मुझे, और ये भी पता है कि तू ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि मेरे मन में शंका बैठ जाए। जैसे मैंने तेरे पुत्रों के जन्म के समय तुझे भयभीत किया था, बिल्कुल वैसे ही तू भी मुझे भयभीत करना चाहती है ताकि तेरा प्रतिशोध पूरा हो सके। किस प्रतिशोध की बात कर रही हैं आप? मेरे पुत्रों के साथ जो कुछ भी हुआ मेरे कारण हुआ, मैंने किया था, उसके लिए आपको कभी दोष दिया ही नहीं, तो प्रतिशोध लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं भी एक माँ हूँ विंता, और अच्छे से जानती हूँ एक माँ अपने 100 कष्ट भूल सकती है, किंतु अंपी संतान का छोटे से छोटा कष्ट भी उसे सदैव स्मरण रहता है। कौन सी चोट कब कहाँ कैसे लगी, कितने दिन बाद भरी, कौन से घाव का निशान कहाँ पड़ा है और कौन से घाव का कोई भी निशान नहीं पड़ा है, एक माँ कभी नहीं भूलती है, वो चाहे कितनी भी महान क्यों ना हो। मैं जानती हूं कि तूने सैकड़ों वर्षों तक गरुड़ के जन्म की प्रतीक्षा की है, क्योंकि तुझे ऐसा लगता है कि वो तुझे मेरी दास्तां से मुक्त करवाएगा। तो फिर प्रतिशोध की भावना तो मन में उपज ही रही होगी ना। ये खेल मत खेल, क्योंकि इसका आविष्कार मैंने किया था, इसलिए मेरे मन में शंका का बीज मत बोना। बंद कर दिए खेल, हाँ? और एक बात, अपने और अपने पुत्र के मस्तिष्क से ये भ्रम बाहर निकाल कर फेंक देना कि तुम दोनों को मेरी दास्तां से मुक्ति मिलेगी। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। गरुड़? माँ! क्या हुआ गरुड़? पता नहीं भैया, बस ऐसा लगा जैसे माँ पीड़ा में है। हो सकता है लौटने में मुझे बहुत देर हो गई है, इसलिए माँ मेरा स्मरण कर रही है। गरुड़, मैं जानता हूं तुम मुझसे कुछ मांगने आए हो, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साकार रूप के पास जाना होगा। साकार रूप? प्रभु, इस रथ पर आसीन जो तुम्हारे सामने है वो मेरा एक अंश मात्र है गरुड़। मेरा संपूर्ण रूप तो सूर्य लोक में ही विद्यमान है, और अरुण का सत्य रूप भी तुम्हें वहीं मिलेगा। सूर्यलोक पहुंचकर हम दोनों से मिलो, और जो इच्छा है मांग लो। आपका बहुत बहुत आभार सूर्यदेव।
अशीघ्रता में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई अरुण। हम गरुड़ को बाल खिलिया ऋषियों के बारे में सतर्क करना तो भूल ही गए। यदि उसने भूल में उन्हें लांग दिया या कोई हानि पहुंचा दी तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। इस महापाप का परिणाम महादंड से कम नहीं होगा, यहां तक कि उसका जीवन भी संकट में आ सकता है प्रभु।